नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी, जो कि ओरिजिनल तो बनती है पेठे से, जो मिठाई वाला पेठा होता है, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज के वेस्ट छिलकों से। तो तरबूज तो हमने ये देखा ना, लाल पार्ट आप देख रहे हो रेड कलर का, ये हमने खा लिया। अब बचे इसके छिलके, तो छिलके से हमने बनानी है टूटी फ्रूटी। तो हमने एक तरफ तो गैस पर चढ़ा दिया पानी, और उसमें डाल दिए चीनी, 1.5 से 2 कप हमने चीनी डाल दी है, और उसमें 3 कप पानी डाल दिया है। तो अब हम इसको उबालने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने जो छिलके हैं उसको हमने छिलका उतार के, हरा वाला पार्ट उतार के, और वाइट पार्ट लेना है और उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। और अब हमने ये देखो पूरा हरा पार्ट उतार दिया है और वाइट पार्ट बारीक बारीक छिलके काट लिए हैं, टुकड़ों में काट लिए हैं, और अच्छे साफ पानी में वॉश कर लिया। अब हमने ये जो टुकड़े हैं ये हमने इस जो उबलता हुआ चीनी का पानी है उसके अंदर हम डाल देंगे, और कम से कम इसको 15 मिनट तक हमने उबालना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, एकदम आर पार इसके इसमें से नज़र आने लग जाए और गल जाएं ये टुकड़े, और चीनी जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। जैसे देखो ये उबाल आ रहा है, और ये टूटी फ्रूटी जो है बच्चों की बहुत ही मनपसंद फेवरेट, और ये जो है पैनकेक और पुडिंग और कुकीज़ में डलती है। तो अब हमारी ये उबल चुकी, और अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे ताकि जो इसका चीनी का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हमने 3 बाउल लिए हैं, और 3 बाउल में बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे, और 3 कलर है मेरे पास, तो 3 कलर डालेंगे, ग्रीन, येलो और रेड। 3 कलर की ये बनाने जा रही हूँ मैं टूटी फ्रूटी। तो अब हमारा ये सारा पानी निकल चुका है, इसको मैंने छान लिया है। उसके बाद जो है हमने ये कलर डालने के बाद 4 से 5 घंटे हमने पंखे के नीचे, हवा के नीचे ही रखना है, ताकि जो इसके अंदर चीनी का मीठा पानी है और ये कलर है, ये जो टूटी फ्रूटी है ये एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। उसके बाद हमने ये रखने के बाद, पंखे के नीचे रखने के बाद, अगला स्टेप जो होगा हमारा कि हमने इसको धूप में रखना है 4 से 5 घंटे में। आजकल बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो उसके अंदर 4 से 5 घंटे में रखेंगे, वो सूख जाएगी। उसके बाद हमने एयर टाइट डिब्बे में भर के हमने फ्रिज में रख देना है, और जब आप चाहो तब आप उसको जैसे चाहो आप यूज़ कर सकते हो और अपने बच्चों को खुश कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरह मेरी टूटी फ्रूटी बनकर तैयार हो गई है, और देखा ना कि कैसे हमने तरबूज भी खा लिया और उसके छिलके भी यूज़ कर लिए, फेंके नहीं हैं, तो एक ही दाम में 2 काम हो गए, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मेरी डिश अगर आपको पसंद आई हो तो आगे 3 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 3 बाउल है, 3 कलर हैं, तो 3 लोगों को कम से कम आप आगे शेयर तो कर ही सकते हो। और कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ मेरा हौसला अफजाई होती है और मैं इससे और अच्छा अच्छी अच्छी डिशें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। नमस्कार।